तो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है और एक नए वीडियो में और एक नए गेम के साथ। तो आज की इस गेम का नाम है सी ऑफ थीव्स। तो इस गेम के बारे में कोई भी जानकारी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो गेम है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है और उसके लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम चेक करने वाले। तो चलिए बिना कुछ देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस पाटिल और आज आप देख रहे हो द तेज टेक। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे पीसी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे चैनल का पेज यहाँ पर ओपन है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते आना और पास वाली बेल घंटी प्रेस करते आना। तो उससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो कि बहुत ही सारे गेम प्ले के वीडियो है। तो मुझे कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये गेम के बारे में क्यों वीडियो नहीं बनाए। तो फर्स्ट बात यही कि आप इस चैनल पर चेकआउट नहीं करते तो पहले ही आप चैनल पर यहाँ पर जाके देख लो कि बहुत सारे गेम के यहाँ पर वीडियो अवेलेबल है, तो उसको चेक करो। और फिर आपको अगर वीडियो नहीं मिलता है तो कमेंट करो, या फिर कमेंट भी करते हो तो अच्छी बात है कि आपको उस गेम के बारे में जानकारी चाहिए होगी। तो मैं पर्सनली भी बता सकता हूँ, पर्सनली बताने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल का या फिर इंस्टाग्राम के चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो गेम की वेबसाइट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर बहुत ही सारे गेम के वीडियो है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी गेम अगर नहीं मिलती है तो मुझे मैसेज करना या फिर कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा या फिर मैं अगला वीडियो में आपको ये हाईलाइट करके इसका मतलब नई गेम का वीडियो आपको बना के पेश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही सारी यहाँ पर गेम के वीडियो है। तो ये जो गेम के वीडियो है, यहाँ पर इस गेम के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है। तो यहाँ पर मैं पहले तो बता देता हूँ कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कि ये जो गेम है इसके बारे में इसका लिंक भी यहाँ पर है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर का, इंस्टाग्राम का या फिर फेसबुक का भी लिंक यहाँ पर दिया गया। और उसके नीचे हमारे यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है गेम इंस्टॉल करने में, ये गेम हो या फिर कोई अदर गेम हो उसमें इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के लिए मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है। तो वहाँ पर मुझे मैसेज करोगे तो आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। तो हमारे गेम की वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी गेम की वेबसाइट यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट है तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो या फिर स्टीम की वेबसाइट पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये सी ऑफ थीव्स एक गेम का यहाँ पर नाम भी है। यहाँ पर राइट साइड में पोस्टर है और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपके लिए गेम के इंट्रो के बहुत ही सारे वीडियो दिए गए। तो ये जरूर चेकआउट करना, क्योंकि अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही लंबा वीडियो बनता जाएगा, क्योंकि ये जो गेम है इसके बारे में जो कुछ भी बताऊँ तो उसके लिए कमी है। क्योंकि ये जो गेम है बेसिकली पाइरेट्स ऑफ द कैरिबियन यानी कि हमारा जो कैप्टन जैक स्पैरो है उसके लाइफ पर है, मतलब जो कैप्टन जैक स्पैरो से इंस्पायर होकर यहाँ पर ये जो गेम है बनाए हैं। तो इसके लिए जो ग्राफिक्स और सब कुछ जो प्रोसेसर या फिर कोई भी लेवल रहे इस गेम में वो बहुत ही हाई लेवल की है। तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स वगैरह चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो एनिमेशन है या बहुत ही कुछ बढ़िया क्वालिटी का है, आपको एक्शन हो या फिर एडवेंचर हो बहुत ही कुछ बढ़िया क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है। तो ये जो गेम है मल्टीप्लेयर गेम है, एडवेंचर गेम है और ओपन वर्ल्ड भी गेम है। तो यहाँ पर सब कुछ आप कर सकते हो, बहुत ही सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ इंट्रो है वो सब कुछ चेक करो, ये चेक कर अगर आप इस गेम के बारे में जानते हो तो ये जरूर चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गेम का क्रेज आपको तो पता है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी ऑफ थीव्स एक जो गेम है तो यहाँ पर बाय करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 899 रुपीज़ के लिए ये जो गेम अवेलेबल है अभी। तो इसका अभी डिस्काउंट नहीं चल रहा, तो इतनी प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो डिस्काउंट चलेगा तो मैं बता दूंगा, या फिर आप यहां से भी बाय कर सकते हो। तो उसके नीचे आओगे तो यहां पर जो रिसेंट के इवेंट्स और अचीवमेंट्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिए गए, और यहां पर नीचे आओगे तो अबाउट द गेम मतलब कि इस गेम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहां पर दी गई।
तो उससे नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे लिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट और रेकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिए गए। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर पुराने हो तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और पास वाली बेल घंटी भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आपको हमारे चैनल पर जो नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिमम रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट दोनों ही यहाँ पर दिए गए। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों ही तरफ सेम ही है, विंडोज 10 लगने वाला है। तो ये पहले तो बात बता देता हूँ कि विंडोज 10 लगने वाला है और जो प्रोसेसर है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए, 32-bit पर ये गेम नहीं चलने वाली, तो उसके लिए 64-bit ही होना ही चाहिए। तो वहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया, प्रोसेसर मिनिमम में दिया गया है इंटेल का Q9450 या 2.6 हर्ट्ज का, और AMD का Phenom 2X6 3.3 हर्ट्ज का यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो प्रोसेसर है वो बढ़िया क्वालिटी का प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया, और रिकमेंडेड में यहाँ पर दिया गया प्रोसेसर इंटेल का i5 4690 3.5 हर्ट्ज का, और AMD का FX8150 और 3.6 हर्ट्ज का यहाँ पर दिया गया प्रोसेसर। तो यहाँ पर रिकमेंडेड जो है, मतलब कि ये जो गेम है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की गेम है, इसलिए आपको जो रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट है वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि तो इसका जो ग्राफिक्स और सब कुछ जो लेवल है वो बढ़िया क्वालिटी का है, इसलिए मिनिमम आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट दी गई है। लेकिन मिनिमम में थोड़ा सा एंजॉयमेंट आपको कम मिलेगा, थोड़ा सा ग्राफिक लो मिलेगा, इससे अच्छा है कि आप रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉलो करोगे तो सफिशिएंट आपको ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ एंजॉयमेंट आपको सफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि मिनिमम में तो मिनिमम लेवल रहेगा। तो अगर रिकमेंडेड फॉलो करते हो तो रिकमेंडेड यानी कि आपको मतलब पसंद जरूर आएगा। तो यहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया मेमोरी, यानी कि हमारे कंप्यूटर की रैम, यहाँ पर मिनिमम में दिया गया 4GB और रिकमेंडेड में 8GB यहाँ पर दी गई। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मिनिमम जो रैम है 8GB होनी चाहिए और रिकमेंडेड जो रैम है वो 16GB तो अवेलेबल होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो इतना GB अवेलेबल ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो गेम है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के। तो ये बात मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया ग्राफिक्स कार्ड, यहाँ पर मिनिमम में दिया गया NVIDIA का GeForce GTX 650 और AMD का Radeon 7750 यहाँ पर दिया गया, और रिकमेंडेड में यहाँ पर दिया गया NVIDIA का GeForce GTX 770 और AMD का Radeon R9 380 यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड भी देख सकते हो कितना बढ़िया हाई क्वालिटी का यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड दिया है। ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके पास हाई क्वालिटी का रहेगा तो ग्राफिक्स बहुत ही आपको बढ़िया क्वालिटी का दिखेगा। तो ग्राफिक्स कार्ड को ध्यान से देखो कि ग्राफिक्स कार्ड आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लगने वाला है, उसमें आप कोई भी कंजूसी मत करो, उसका लिए आपको एक ग्राफिक्स कार्ड जो है रिकमेंडेड ही फॉलो करो तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, आपको वो जो गेम है उसका एंजॉयमेंट बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्टोरेज, यहाँ पर दिया गया 50GB अवेलेबल स्पेस यहाँ पर इस गेम के लिए अवेलेबल होना ही चाहिए। तो इस गेम के बारे में इवेंट्स और अचीवमेंट्स तो अभी तक मतलब लेटेस्ट में कोई नहीं आया, तो इसके बाद भी आएगा, लेकिन अगर आपको इसका अपडेट वगैरह चाहिए होगा तो 60GB अवेलेबल स्पेस रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आप गेमिंग करते हो या फिर गेमर हो या फिर यूट्यूबर हो तो आपके लिए जो गेम का फोल्डर रहता है उसके लिए साइज रहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रखोगे तो आपका बढ़िया क्वालिटी का गेम का एंजॉयमेंट वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि कम अगर रखते हो तो बहुत ही ज़्यादा लैग वगैरह देखने को मिलेगा, हैंग देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर माइनर सा भी अपडेट आता है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम देगा। तो इसके लिए जो आप गेम इंस्टॉल करते हो तो इसके लिए जो स्टोरेज यहाँ पर अवेलेबल स्पेस दिया गया उससे ज़्यादा 2 या 3GB या फिर 5GB अवेलेबल स्पेस अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो गेम है इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो गेम है बहुत ही लोगों को पसंद है और बहुत ही लोग जानते हैं कि इस गेम में क्या होता है और किस बारे में ये गेम है। तो ये गेम का इंट्रो वगैरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर इंट्रो सब यहाँ अब अगर आप चेक करते हो पहले की अगर गेम हो या फिर कोई भी हमारे चैनल की गेम उठाते हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेम में क्या देता है कि 2 या 3 वीडियो देते हैं,
और बहुत सारे स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पर देते हैं, लेकिन इस गेम के बारे में इंट्रो एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वीडियो दिए गए। तो ये ज़रूर चेकआउट करके फिर इस गेम को डाउनलोड करना। अगर आपको गेम अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया गेम की वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो ये जो गेम है, इस गेम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और एक लिंक रहता है वो मैं लिंक टेलीग्राम के चैनल पर देता हूँ, तो वो जो लिंक है वो बढ़िया क्वालिटी की लिंक रहती है। तो अगर आपको वो जो लिंक है वो अगर आपको पसंद आती है तो मुझे इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए गेम के साथ और एक नए वीडियो में।